नमस्ते, इंक्लूसिव साइन टॉक यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विषय हिंदी, कक्षा 8, उप विषय हिंदी व्याकरण, शिक्षण प्रश्न बहुव्रीहि समास। हिंदी व्याकरण सांकेतिक भाषा के अंतर्गत अब से पहले हमने तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास और द्विगु समास के बारे में जाना और उन्हें सांकेतिक भाषा में व्यक्त करना सीखा। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास और द्विगु समास सांकेतिक भाषा के वीडियोस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, अवश्य देखें। और यूट्यूब चैनल इंक्लूसिव साइन टॉक को सब्सक्राइब करें। हिंदी व्याकरण सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आज के वीडियो में बहुव्रीहि समास भाग 1 के अंतर्गत आज हम बहुव्रीहि समास के बारे में जानेंगे और बहुव्रीहि समास को सांकेतिक भाषा में व्यक्त करना सीखेंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे बहुव्रीहि समास को सांकेतिक भाषा में कैसे व्यक्त करें। आइए शुरू करें और सबसे पहले जानें हिंदी भाषा में बहुव्रीहि का अर्थ। बहुव्रीहि शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। बहु जमा ब्री बराबर बहुव्रीहि। यहां बहु का अर्थ अधिक और ब्रीहि का अर्थ है धन धान बालक। अतः बहुव्रीहि का हिंदी भाषा में अर्थ है बहुत धन धान बाल। अर्थात हिंदी भाषा में बहुव्रीहि का अर्थ बहुत धन धान वाला होता है। आइए अब जानें हिंदी व्याकरण में बहुव्रीहि का अर्थ। हिंदी व्याकरण में बहुव्रीहि का अर्थ है समास के 6 प्रकारों में से एक समास, जिसे हम बहुव्रीहि समास के नाम से जानते हैं। बहुव्रीहि समास का अर्थ है बहि केंद्रीय या अन्य पद का विशेषण करने वाले संक्षिप्त शब्द या समास पद।
बहुव्रीहि समास का अर्थ विशेष संज्ञा विशेषण। समास या संक्षिप्त शब्द भी होता है। अब जाने अंग्रेजी भाषा में बहुव्रीहि का अर्थ। बहुव्रीहि का अंग्रेजी भाषा में अर्थ मल्टीपर्पस या एक्सोसेंट्रिक होता है। इसलिए बहुव्रीहि समास को अंग्रेजी भाषा में एक्सोसेंट्रिक कंपाउंड भी कहते हैं। इस प्रकार हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अर्थ के आधार पर हम बहुव्रीहि समास को सांकेतिक भाषा में आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। कैसे देखिए, बहुव्रीहि समास।